साथियों नमस्कार। जिस तरह से हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे और बाबागंज में थे और बाबागंज के दौरे पे हैं और बसवाही गांव में हैं। यहां पे एक ब्राह्मण मिले हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या लगता है माहौल क्या है। पहले तो यहां जो है जनसत्ता और समाजवादी पार्टी की टक्कर चल रही थी, लेकिन फिलहाल इस समय दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी टक्कर में है ही नहीं है, बसपा निकल कर आ रही है आगे। क्या कहेंगे आप ब्राह्मण समाज से हैं? पहले ही हमने कहा था कि जय गणेश काटे कलेश, बाबागंज में कलेश कट चुका है। कलेश कौन था? सपा पूर्ण रूप से कलेश बनी हुई है, बसपा ने आज तक कलेश वाला काम ही नहीं किया। तो क्या कहते हैं अब ब्राह्मण समाज जो है किधर जा रहा है? ब्राह्मण समाज सदैव बहन जी के साथ रहा है, उन्हीं के साथ रहेगा। ब्राह्मण समाज जो है योगी जी कहते हैं ब्राह्मण समाज उधर जाएगा ही नहीं। योगी का मतलब है गोरख धंधा, गोरखपुर से ये आ करके पूरे हिंदुस्तान में गोरख धंधा पाल रहे हैं। और गोरख धंधा का मतलब है दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। राजा भैया का यहाँ दबदबा रहता है, आप खुले समर्थन कर रहे हैं बसपा को, डर नहीं है? राजा भैया का डर, राजा भैया स्वयं कहते हैं कि हमारा कोई डर ना करे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं समाजवादी पार्टी से टिकट लेने के लिए लगे थे, अभी अभी कहीं कहीं पिटाई हो गई उनकी। मलियाबाद में उनकी पिटाई हुई है, सपाइयों ने ही पीटा है। हाँ। सपा से टिकट लेने के लिए लगे थे। हाँ, सपाइयों ने ही पीटा है। क्या कहेंगे जो है मौर्य समाज के अगुआ थे, वो अगुआ वो हर समाज के बने थे, अपने समाज को ही वो नहीं देख पाए और दूसरे के समाज को क्या देखे। नहीं, वो कहते हैं कि हम जहाँ रहेंगे उसी पार्टी की सरकार आएगी। अब वो जमाने जा चुके हैं, अब उसी की सत्ता होगी जो लोकतंत्र का हनन नहीं करेगा। जनता बहुत समझदार है। क्या मुद्दे होंगे ब्राह्मण समाज के लिए बीएसपी में? बीएसपी अपने सारे मुद्दे उचित रखती है, बहन जिया कभी गलत नहीं करती है। क्या सोचकर क्या अच्छा लगा जो बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं? बहन जी ने कभी इस तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाया जिससे कि हमारे ब्राह्मण समाज का कोई हनन हो सके। और जब हमारा मुखिया ही उनके साथ लगा हुआ है तो हम लोगों को लगने में। कौन है मुखिया? सतीश मिश्रा जी हैं जी। हाँ, अब तो नारा बदल गया। नहीं तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में सब कुछ आता है ना। हाँ, समतामूलक समाज की स्थापना भी है। पहले तो जो है 85-15 की लड़ाई थी। ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो नीचे से और ऊपर तक सफाई कैसे हो पाएगी? तो क्या लगता है मायावती जी जो है सर समाज को लेकर चल रही हैं? हाँ, पक्का है। तुलसीदास जी का लिखा हुआ वो समय आज पूरा होने जा रहा है। तो ब्राह्मण समाज किस तरह से देख रहा है बीएसपी को? बीएसपी को उसने कभी गलत नहीं देखा, क्योंकि तो क्या ये बाबागंज से उनको समर्थन मिलेगा? बाबागंज ने सदैव समर्थन दिया है। अब इसमें किसी प्रकार की कोई कमियां हो जाएं, हम अपना बूथ ही ना बचा पाएं, तो बूथ पे ही आप टाइट रहो, बाकी और कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ राजा भैया का दबदबा होता है और बूथ कैप्चर हो जाते हैं। पवन गौतम जी वाले में हम साथ में रह के देख चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है हमको। अच्छी बढ़त से हम लोग उतने पार आके समेट दिए थे, लेकिन क्या है कि जहाँ जहाँ कमियाँ जो कर गए हैं उनकी भी कमियाँ देखी जाती हैं। पिछले प्रत्याशी भी काफ़ी कमियाँ करके गए हैं, विनोद सोनकर जी करके गए हैं, तो उसका भी खामियाजा पवन जी को झेलना पड़ा था ना। ब्राह्मण समाज के लिए क्या कहेंगे बीएसपी को लेकर? ब्राह्मण समाज हमारा यही है कि बस लीक जाने के बजाय लीक छोड़ के चलो। ब्राह्मण सदैव शेर का काम करता चला आया है। अब इतने ब्राह्मण मरने के बाद भी अगर ब्राह्मणों की आंख ना खुले तो बेकार है। हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा नहीं, ऐसा कौन सा नारा है? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो क्या ये सच हो पाएगा 2007 की तरह? सदैव सच हुआ है। जब भी हमारी बहन जी अगर साथ लेना चाहे तो बीजेपी ने ही लिया है। कहीं से वो गड़बड़ाएंगे तो बहन जी के जाके पैर छुएंगे ही छुएंगे। राज्यसभा में बहन जी के पैर मोदी जी ने छुए थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधे राधे है, ललित मोहन पांडे कहते हैं मुझको जी। इधर जो है हम बसवाही गांव में बैठे थे, इधर ब्राह्मण समाज से जो है राधे राधे थे, वो भी जो है बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। और अब की बार जो है जनसत्ता और सीधा सीधा टक्कर बसपा से टक्कर है, समाजवादी पार्टी टक्कर से बाहर है।